इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC ग्रुप के मर्जर की, फ्यूचर में इस मर्जर के फायदे, जानेंगे क्यों ये स्टॉक अभी नीचे गिरा, देखेंगे इसके फंडामेंटल्स और समझेंगे इसके टेक्निकल्स में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये स्टॉक अभी काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है और आने वाले कुछ टाइम में यहाँ से सीधा 40% या उससे कहीं ज्यादा का रिटर्न बना के दे सकता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन देने में हमें काफी सारा रिसर्च और टाइम लग जाता है। 1 जुलाई 2023, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ। मर्ज होने के बाद 13 जुलाई को HDFC लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गई और जिनके पास भी HDFC लिमिटेड के 25 शेयर थे उन्हें उसके बदले HDFC बैंक के 42 शेयर मिले। इस मर्जर के बाद HDFC बैंक वर्ल्ड की फिफ्थ मोस्ट वैल्यूड बैंक बन गई विथ मार्केट कैप ऑफ $158 बिलियन और निफ्टी में इसका वेटेज अब 14.4% हो गया है। इस मर्जर का अभी मेन टारगेट हर साल 1500 ब्रांचेस खोलने का है आने वाले 4 से 5 सालों में, जिससे इनको क्रॉस सेलिंग में बहुत फायदा होगा। अब आपने हर जगह सुना होगा क्रॉस सेलिंग में फायदा होगा, तो आइए समझते हैं क्रॉस सेलिंग के बारे में। HDFC लिमिटेड के पास 54 लाख का कस्टमर बेस है और वहीं HDFC बैंक के पास 8.3 करोड़ का। अब HDFC लिमिटेड के 70% कस्टमर के पास HDFC बैंक का अकाउंट नहीं है और वहीं HDFC बैंक के 80% कस्टमर के पास HDFC का हाउसिंग लोन नहीं है। अब दोनों के मर्ज हो जाने पे कंपनी इजीली कस्टमर्स को HDFC का हाउसिंग लोन दिलवा पाएंगे और वही कस्टमर्स जिनके पास HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है वो भी इजीली अपना अकाउंट खुलवा पाएंगे। अब जानते हैं कि HDFC बैंक में इतनी गिरावट क्यों आई। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने एनालिस्ट कॉल रखी थी अपने HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के अकाउंटिंग को लेकर। इसके बाद बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स ने HDFC बैंक का टारगेट प्राइस 7 से 8% से कम कर दिया, एक तरीके से स्टॉक की डी रेटिंग कर दी। अब देखते हैं इस डी रेटिंग के पीछे के रीजन। पहला, एसेट क्वालिटी जो HDFC और HDFC बैंक की मर्ज्ड एंटिटी की रहेगी। अगर हम उसे कंपेयर करें HDFC बैंक से तो जो बैंक का ग्रॉस NPA था वो 1.2% से बढ़कर 1.4% हो जाएगा और नेट NPA 0.3% से बढ़कर 0.4% हो जाएगा। अगर आपको NPA के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा यस बैंक वाला वीडियो चेकआउट करें। दूसरा, HDFC बैंक की जो नेटवर्थ है वो पोस्ट मर्जर 1.34 ट्रिलियन रुपीस से घटकर 1.12 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगी, जिससे बैंक की बुक वैल्यू कम हो जाएगी और बुक वैल्यू कम होते ही उसका PB रेशो बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि PB रेशो से हम बैंक की वैल्यूएशन चेक करते हैं, मींस वो स्टॉक सस्ता मिल रहा है या महंगा। तो अगर PB बढ़ेगा तो बैंक और महंगे वैल्यूएशन पे मिलेगा, जिसके कारण भी ये गिरावट देखने को मिली। और तीसरा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आएगा आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में। इन सब के कारण हेडलाइंस आई कि नोमुरा ने HDFC बैंक को डाउनग्रेड कर दिया और इनका नया टारगेट प्राइस अब 1800 है जो पहले 1920 रुपए दिया था, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 18% का गेन है। और जेफरीज ने भी टारगेट प्राइस 2030 रुपए का दिया है जो यहाँ से 32% अप है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चीज मर्जर के पहले बोर्ड मेंबर्स को पता नहीं होगी या ये अचानक से इतनी बड़ी न्यूज कहीं से आ गई कि बैंक का 4% एक ही दिन में गिर जाने को जस्टिफाई कर पाए और बैंक अपना 49,000 करोड़ खो दे। ये मर्जर ही इसलिए हुआ है ताकि लॉन्ग टर्म में HDFC और HDFC बैंक का कोऑर्डिनेशन और अच्छे से हो और कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाए, आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छे से बढ़ेगी और नया कस्टमर बेस भी बनेगा। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ये 20% से ग्रो करता है और वहीं बहुत सी कंपनी तो सेल्स भी 10% नहीं कर पाती। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो पिछले 2 साल से ये स्टॉक ने 0% रिटर्न दिया है। वहीं अगर प्री कोविड लेवल से चेक करें तो ये 20% का गेन है पिछले 4 सालों में, जो कि बहुत ही कम है HDFC बैंक जैसे स्टॉक के लिए। तो अब ये देखते हैं कि क्या वाकई में इसके कुछ फंडामेंटल्स खराब हुए भी हैं या नहीं। 2021 से कंपेयर करें तो इसका रेवेन्यू 32% से बढ़ा है और प्रॉफिट 44% से। वहीं इस टाइम कंपनी ने 0% रिटर्न दिया है। अगर हम इस बैंक का PE रेशो भी देखें तो ये 17.8 है। इतने कम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक कोविड के टाइम ही देखने को मिला था, उसके बाद ये अपने मीडियम PE तक जाता ही है। इसका PE इतना कम 15 मई 2020 को था। अगर हम इसको अब चार्ट पर चल के देखें कि 15 मई 2020 से, तो आप देख सकते हैं अगले 6 महीने में ही ये स्टॉक ने 86% के रिटर्न दे दिए थे। अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये कप विद मल्टीपल हैंडल पैटर्न बना रहा है जिसका टारगेट प्राइस 2150 है, जो करंट मार्केट प्राइस से 40% ऊपर है। अगर हम दूसरे ब्रोकरेजेस के टारगेट देखें तो सिटी बैंक ने 2110 रुपए का टारगेट दिया है जो यहाँ से 38% अप है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से और नीचे भी आता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। अगर HDFC बैंक जैसा ब्लू चिप स्टॉक पिछले 4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप खुद सोचो काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड होंगे जो इसको ऊपर लेके ही जाएंगे आज नहीं तो कल। जितना अंडर परफॉर्म इसने इतने साल में किया है सारा गेन अगले कुछ महीनों में आ ही जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछे
तो ये स्टॉक सिर्फ अपने टारगेट प्राइस जो कि 2150 है उस पर नहीं रुकने वाला, ये इसके आगे ही जाएगा। हर डिप पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है, और जैसा इसने पहले 6 महीने में 86% के रिटर्न दिए थे, सेम आने वाले टाइम में ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की पूरी दम रखता है। हमारा काम आपको सिर्फ सिखाना है, खरीदना ना खरीदना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।